हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि सीलिंग फैन में डबल कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, और बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि सीलिंग फैन में डबल कैपेसिटर लगाने से क्या पंखे का स्पीड बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले याद रखें कि बहुत से लोग कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। तो देखिए, इस पंखे में पहले से एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हम दूसरा कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे, जो ये कैपेसिटर बगल में रखा हुआ है। तो आपको एक बात और याद रखना है कि हम जब भी डबल कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे तो वह पैरालल में होना चाहिए। हमेशा पैरालल में कनेक्शन होता है इसका। तो देखिए किस तरह पैरालल में इसका कनेक्शन होगा। देखिए, यह कैपेसिटर हम निकाल रहे हैं जो पंखे में लगा हुआ है, और यहाँ से कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ जुड़ा हुआ है, और इधर वाला वायर का कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यह कैपेसिटर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर, यह टेप को हम खोलते हैं इस प्रकार से। अब हम देखिए कैपेसिटर का ये जो वायर है यहाँ पर ट्विस्ट है, और ये इधर वाला यहाँ पर ट्विस्ट है। इसी में हम दूसरा कैपेसिटर जोड़ेंगे। देखिए, इस पर का खोल दिया और इसमें हम दूसरा कैपेसिटर जोड़ेंगे। ये देखिए, ये दूसरा कैपेसिटर हम इसमें इस प्रकार से जोड़ेंगे। ऐसे उलट के भी हम जोड़ सकते हैं इसे, चाहे तो। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है कैपेसिटर में, इस तरह उलट के हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी जगह और इसी जगह जोड़ना है। ये चीज याद रखें कि जिस जगह पे पुराने वाला कैपेसिटर का कनेक्शन जोड़ा हुआ है, उसी जगह पे हम दूसरा कैपेसिटर का कनेक्शन जोड़ेंगे। ये हमारा डबल कैपेसिटर हो जाएगा, और इसे हमेशा पैरेलल में ही जोड़ना है, याद रखिए। ये हमारा पैरेलल में जोड़ा गया है, और जिस जगह से हमने, देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों कैपेसिटर को हमने इसमें जोड़ दिया है, और जिस जगह से हमने इसका कनेक्शन खोला था उसी जगह पे हम इसे लगा देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए, इधर वाला देखिए, यहां से ये वायर गया, यहां से ये वायर गया, और यहां से ये इसमें कनेक्शन हुआ है। तो हम इसे टेप मार देते हैं इस जगह पर। देखिए, यह कनेक्शन हो चुका है। अब हम एक कैपेसिटर को इस क्लैंप में डाल देते हैं, और दूसरे को इसके ऊपर में हम बांध देंगे इस प्रकार से। देखिए, अब हम एक मजबूत धागा से इस कैपेसिटर को बांध देंगे। आप चाहें तो इसके जगह पर रस्सी भी ले सकते हैं, या कोई और भी चीज ले सकते हैं इसे बांधने के लिए। इसे अच्छी तरह से हम बांध देते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे बांध देते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप के घर में अगर
160 वोल्ट से कम वोल्ट आता है तो ही डबल कैपेसिटर का इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर आप ये दो कैपेसिटर का इस्तेमाल 160 वोल्ट से अधिक वोल्ट आने पर करिएगा तो पंखा जलने का डर रहता है, इस बात को बिल्कुल ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।